हाँ मैं समझता हूं, लेकिन जब अपनी मां और तुम में से मैंने तुम्हें चुन लिया, क्या तुम समझती हो? तुम जानती हो मेरे पापा ने आज तक कभी मेरी मां से सीधे मुंह बात तक नहीं की, लेकिन हमने तुम्हें बाबू बना दिया यार, क्या तुम समझती हो? तुम जब चाहे अपनी मां से फोन पर बात कर लेती हो। पापा की तबीयत कैसी? दोनों भाभियों में से ज्यादा काम कौन सी भाभी करती है? आज घर में सब्जी कौन सी बनी है? मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकता और ना ही रोकना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे रहते मैं अपने ही घर में अपनी मां से एक मिनट बैठकर बात नहीं कर पाता, क्या तुम समझती हो? कभी भी अगर मैं मां के साथ थोड़ी देर बैठकर बात करने लगूं अकेले में, तो तुम्हें लगता है कि मां मुझसे तुम्हारी चुगली करने लगी है, और मेरे ऑफिस से घर आते ही तुम झट से दरवाजा बंद कर लेती हो, पर मां कभी भी कुछ नहीं कहती, क्या तुम समझती हो? जानती हो पापा ने जमीन खरीदी, दुकान खरीदी, ये घर बनवाया, कभी आज तक मां से पूछा नहीं, सिर्फ बताया, कभी सलाह मशवरा तक नहीं किया, लेकिन मैं साला अगर 250 रुपए की टी शर्ट भी खरीदता हूं ना, तो तुमसे 300 बार परमिशन लेता हूं। बाबू गलत ठीक है ना? प्रिंट तो ठीक है ना? लू कि नहीं लू, क्या तुम समझती हो? जब कभी मुझे ऑफिस से घर आने में देर हो जाती है ना, तो तुम मुझे फोन पर मैसेज कर देती हो कि जाना सुनो ना, मैंने ना खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया, तुम प्लीज निकाल कर खा लेना क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन मां तब तक नहीं सोती है जब तक मैं खाना खाकर यहाँ सोने के लिए नहीं आ जाता हूं। अपने बेटे के लिए मां के इस प्यार को क्या तुम समझती हो? गुप्ता आंटी मां की इकलौती सहेली, कभी किसी एक दिन शाम को आकर वो मां के पास थोड़ी देर बैठ जाए और उनके बीच में थोड़ा सा हंसी मजाक होने लगे, तो तुम्हें उसी वक्त फुल वॉल्यूम में गाना सुनने का मन करता है, लेकिन जब कभी तुम देर तक सोती रहती हो ना सुबह, तो मां अपनी कृष्ण जी की आरती भी बड़ी धीमी आवाज में करती है, ये ध्यान रखते हुए कि तुम्हारी नींद ना टूटे, क्या तुम समझती हो? हाँ तुम पत्नी हो मेरी, हमने साथ फेरे लिए हैं, जीवन के हर पड़ाव पर हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देने की कसम खाई है मैंने, तुम्हारा पूरा हक बनता है मुझ पर, लेकिन जिस मां ने मुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा है, उस मां का हक क्या तुम समझती हो? तुम्हारे लिए तुम्हारा घर, तुम्हारे मां बाप, भाई, बच्चा, पति, इन्हीं सब लोगों को तुम अपना परिवार मानती हो, यही सब तुम्हारे रिश्ते हैं, और मेरा घर, मेरे मां बाप, ये रिश्ते क्या तुम समझती हो? शादी सिर्फ दो लोगों के रिश्ते का नाम नहीं है यार, तो परिवार आपस में जुड़ते हैं, भाई बहन की नोक झोंक भाभी देवर का हंसी मजाक बन जाता है, पापा का प्यार ससुर का दुलार बन जाता है, और मां की जगह सास ले लेती है, और कभी उसी हक से अगर मां ने तुम्हें जरा सा डांट क्या दिया, तो तुम उन्हें पलट कर जवाब दे देती हो, वहीं तुम्हारी खुद की मां अगर तुम्हें 4 लोगों के सामने थप्पड़ भी लगा देना है यार, तो तुम उन्हें पलट कर जवाब नहीं देती हो, तब भी प्यार से ही बात करती हो। मैं तुम्हें अकेले को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, इसमें तुम्हारी अकेले की गलती नहीं है, ना तो मां ने तुम्हें कभी अपनी बेटी माना है और ना ही तुमने उन्हें कभी अपनी मां माना है, मैं किसी की तरफदारी भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं यार कि मां अपनी जिंदगी जी चुकी है, लेकिन तुम्हें अभी भी अपनी जिंदगी जीनी है, तो क्या हुआ है यार अगर मां थोड़ी सी जबान की खरी है, अगर तुम भी वही गलती करोगी जो मां करती है, तो फिर मां के 8वीं फेल होने में और तुम्हारी मास्टर्स की डिग्री में क्या फर्क रह जाता है यार? बड़प्पन जो है ना, गुस्से और अकड़ में आकर रिश्ता तोड़ने में नहीं, बल्कि झुक कर विनम्रता से जोड़ने में है। अगर आज भी तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई ना, तो तब याद आएगी जब तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसा ही करेगी, और तुम्हारा बेटा तुम्हें सामने खड़ा करकर तुम्हारी बहू से सिर्फ एक ही सवाल पूछेगा, क्या तुम समझती हो?
क्या तुम समझती हो? थैंक यू।